जिस अंदाज में ये लाइटें जैसे थी हमने इनको थोड़ा सा रेनोवेट किया है बट दे आर बिल्कुल उसी तरह आप ये देख रहे हैं स्टेयर सारी ये लकड़ी जो है ये 100 साल से ज्यादा पुरानी है बट वी हैव ट्राइड टू मेंटेन दैट बिल्डिंग और अभी जो आर्काइव डिपार्टमेंट ने अपनी कमेटी भेजी थी तो दे हैव डिक्लेयर्ड दिस बिल्डिंग एज द बेस्ट मेनटेन बिल्डिंग आगे आप ये देखेंगे कि इस डोम के बाद जब आप सीढ़ियों से चलेंगे और लाइब्रेरी हॉल कि वो लाइब्रेरी हाल में बिल्कुल ऐसे लगेगा जाए जैसे आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के हाल में आए हुए हैं इस वक्त

इंट्रैक्शन अपना करते थे और ये जो लाइब्रेरी हाल है इसको भी देख के आपको खुशी होगी कि ये 1911 से इस हाल को हमने कोशिश किया है कि उसी अंदाज में हम मेंटेन रखें और इसमें मेरे से पहले जितने वाइस चांसलर प्रिंसिपल थे उनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बट हमने इस लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जो बेस्ट प्रोग्राम होता है दैट इज पीएचडी प्रोग्राम

अच्छा जो टीचिंग हैं, उनकी जो टीचिंग का सिलसिला है, इस है इसके साथ लेडी विलेडी एडसन हॉस्पिटल है और तीन और नए हॉस्पिटल है जिसमे कोट खाजा सईद मिया मुंशी सैदी हॉस्पिटल सो टोटल बेड स्ट्रैंक फोर था टीचिंग और ट्रेनिंग कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटी का है हमारी टीचिंग फैकल्टी जो हमारे प्रोफेसर हैं वो उनकी टीचिंग और ट्रेनिंग को देखते हैं और अल्टीमेटली जो टीचिंग ट्रेनिंग का प्रोडक्ट है दैट इज द सर्विस डिलीवरी और जो इसका इसका फायदा जो होता है वो मरीजों को बेस्ट पॉसिबल खिदमत और मरीजों की सर्विस के तौर पर होता है अच्छा ये बताइएगा प्रोफेसर साहब के ये जो आप एजुकेशन देते हैं इसमें स्टूडेंट्स के ऊपर आपका फोकस क्या होता है किस तरह है? मतलब एजुकेशन सिर्फ है कि मेडिकल की एजुकेशन मिले या कुछ और भी चीजें उनको सिखाते हैं देखिए जी मैं ये समझता हूँ कि जो एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ना अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में ऑल ओवर वर्ल्ड तब्दीली आई है अंडर ग्रेजुएट में अब मॉडुलर करिकुलम शुरू हो गया और पोस्ट ग्रेजुएट में आउटकम बेस्ड है आउटकम बेस्ड का मतलब यह है कि हम ये समझते हैं कि ये डॉक्टर है इसमें ये कॉम्पिटेंसीज ये होनी चाहिए लाइक like, वो नॉलेजेबल होना चाहिए वो स्किलफुल होना चाहिए उसमें एथिकल प्रैक्टिस और प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए और दुनिया में कैनेडा अपना मॉडल लेके आए कैनमेट अमेरिका की ए सी जी एम ई कॉम्पिटेंसीज मेडिकल एजुकेशन है इसका मतलब यह है कि एक डॉक्टर को एक्सपर्ट होना चाहिए कोलेबरेटर होना चाहिए कम्युनिकेटर होना चाहिए लीडर इन मेडिकल एजुकेशन होना चाहिए और एक इम्पोर्टेंट चीज ये जब वोटल किसी प्रेशर में डॉक्टर भी आ जाते हैं तो उसकी भी को ट्रेनिंग करते हैं, हैं स्टूडेंट लाइफ से हमारे जो स्टूडेंट हैं ये टॉपर हैं ये टॉप करके आते हैं आने के बाद आ जाएं इसके लिए हमने काउंसलिंग सेक्शन एक अलग बनाया हुआ है जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ सेक्रेटरी उसको हेड करते हैं और स्टूडेंट्स आके उनसे इंटरेक्शन करते हैं सो इस अंदाज में हम उनको काउंसल करते हैं उनकी स्ट्रेस को रिलीव करते हैं और डॉक्टर्स के लिए हमने कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज रखे हुए हैं ताकि डॉक्टर्स की जो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन है वो साथ साथ होती रहे अच्छा आपने इतनी ट्रेनिंग भी उनकी करते हैं उनकी काउंसलिंग भी होती है सब कुछ होता है ये बताएं फिर क्या वजह है कि सफ़ेद कोट पहन के ये हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भी आजकल डॉक्टर्स मार रहे हैं फिर आप रुकला वाला वाक़ भी आपके सामने है जब आप उनको स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए इतनी काउंसलिंग भी होती है सब कुछ होता है और वो टॉपर भी होते हैं अपनी अपनी पोजिशन में ये कौन से डॉक्टर्स होते हैं ये सब कुछ कर रहे हैं मेरा ख्याल एक चीज़ ये है कि आपने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और म्यू में इन चीज़ों को बहुत कम देखा होगा ना और इसमें क्योंकि तो ये चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा ये मसला समझ आइए क्या है मसला उसमें जो आप याद रखिएगा कि तो हर जगह पे इस किस्म के होता मैं एक का है ना और माशरे में कुछ अगर अनरेस्ट इन जनरल हो तो उसकी रिफ्लेक्शन डिफरेंट प्रोफेशन पे भी होती है बट नाइनटीन नाइनटी फाइव परसेंट डॉक्टर जो हैं ये एथिकल प्रैक्टिस में बिलीव करते हैं और करते भी हैं आपने चंद एक मिसालें दी और कुछ ऐसी भी मिसाल हैं आप कभी न्यू एमरजेंसी में चले जाए आज ही चले जाए कितने पेशेंट ऐसे हैं जो लावारस आते हैं और बाज बात उनको ब्लड की जरूरत होती है कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो अपना खून मरीज को दे देते हैं और कितने डॉक्टर ऐसे हैं कि जितनी तनख्वाह वो गवर्नमेंट से लेते हैं उससे ज्यादा वो डोनेशन में पेशेंट को दे देते हैं तो इसमें अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ ऐसी डेफिशंसीज भी हैं अच्छाइयों को हमने आगे बढ़ाना है डेफिशंसीज को हमने ओवरकम करना है अच्छा प्रोफेसर साहब आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कि अगर 10-15 साल आप पीछे चले जाएं तो शायद ही कोई इस तरह कोई इंसिडेंट डॉक्टर्स के हवाले से हमें कभी नजर आया था या कभी हमने सुनाओ पिछले 10-15 साल से अंदर ये जो एक बहुत बड़ी चेंज आई और एक ऐसी ऐसा शबा जो कि वाकई मसीहा समझा जाता है जो आपने बताया कि शायद ही कोई ऐसा पेशा हो जिसको लोग मसीहा के तौर पर जानते हो डॉक्टर के पास आके उनका आधा जो मर्ज है अगर सॉफ्ट स्पोकन डॉक्टर है तो उनका खत्म हो जाता है मेरा इसमें सिर्फ पॉइंट यह है कि जो मसीहा था उसके नज़दीक ये था कि जान बचानी इंसानी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी एक दौर में लेकिन आज हम देखते हैं कि आपकी डिमांड्स हो सकती हैं आपके साथ ज्यादियाँ हो सकती हैं लेकिन क्या मसीहा जो है वो इस बात की जस्टिफिकेशन रखता है कि वो एमरजेंसी बंद कर दे या मरीजों को देखना छोड़ दे और उसकी उस दौरान मरीज़ की डेथ्स हो जाए तो वो ये कहे कि जनाब मेरी जो कि डिमांड्स पूरी नहीं हो रही इसलिए मैं नहीं देखूँगा देखिए मैं पहले भी अर्ज़ किया है कि 90-99 परसेंट वाले डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो रियल मसीहा हैं यानी ऐसे डॉक्टर्स जिन्होंने मरीज़ों को अपना ब्लड दिया है ऐसे डॉक्टर जो अपनी तनख्वाह से ज्यादा डोनेशन देते हैं ये आपको 90 परसेंट से ज्यादा मिलेंगे और बाज औकात अगर ऐसे इंसिडेंट्स आपके सामने आते हैं जिनको आपने डिस्क्राइब किया है तो उनका रीजन जरूर देख लें कि उन किन रीजन की वजह से ये हुई और उन रीजन को एड्रेस करना जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं मैं उससे इनकार नहीं कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि वो रीजन होंगी बिल्कुल जायज रीजन होंगी लेकिन एक तरफ इंसानी जान है जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है और एक तरफ ये रीज़न है डॉक्टर एक दौर में सारा कुछ छोड़ के पहले जान बचाते थे और रीजन रूजन बाद में आती थी आज रीजन्स पहले आ गई हैं जान कहीं पीछे चली गई है अच्छा इसमें मैं आपसे बिल्कुल इख्तलाफ करूँगा कि अब भी जो इंसानी जान बचाना है वही प्रायोरिटी है आपको जो रिफ्लेक्शन नज़र आती है ना कि शायद अपनी ड्यूटी से हट के इंसानी जान जो है वो एक सेकेंडरी होगी ऐसे नहीं होता इन हालात में भी अगर अगर कोई ऐसा एलिमेंट सामने आया है कि जिसमें सर्विसेज आपको उस अंदाज में नहीं मिल रही तो उसकी रिप्लेसमेंट फ़ौर होती है सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर वो वहाँ अपनी जगह पर आ जाते हैं और इमरजेंसी सर्विस वो तमाम चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं अच्छा प्रोफेसर साहब थोड़ा सा तौर पर ये जो पीछे तोप लगी हुई है यानी कैनन जो लगी हुई है ये इसकी क्या कोई एक तो हिस्टोरिकल कोई सिग्निफिकेंस है या फिर आपने इसका रुख वकला की तरफ किया वो कहीं <laughs> नहीं नहीं आपको बिल्डिंग कितनी खूबसूरत लग रही है हाँ। पट्याला ब्लॉक झंडा लहरा रहा है हाँ। और ये जो तोप है ये एटीन वन की वार का एक निशानी है हाँ। तो हमने जिस अंदाज में इस बिल्डिंग को मेंटेन किया है उसी अंदाज में तोप को मेंटेन किया है और वैसे आप ये एक लवली कहते हैं ना कि मोनूमेंट है और नुकसान दे नहीं है इसका अच्छा आपने इसको एक्सटेंड भी किया इस जब से आप आए हैं इस दौरान आपने ये जो अपनी यूनिवर्सिटी है इसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स में भी इसको किया कि अभी थोड़ा बहुत ही एक्सटेंड किया इसको आपने मैंने कहा

एनालिसिस लिस्ट में इसका नाम आ चुका है दैट मीन कि इसको इंशाल्लाह इस साल इंपैक्ट फैक्टर मिल जाएगा फिर आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में जब मैं आया तो ये रोड्स इस तरह की नहीं थी तो मैंने सेक्रेटरी सी एंड डब्ल्यू साहब से रिक्वेस्ट की एक रात सैटरडे को 12 ट्रक आए और मंडे सुबह बच्चों ने देखा कि ये रोड जो है ये सारी नई रोड थी इसी तरीके से रोड्स के साथ इस बिल्डिंग में या मार्बल्स तमाम जो देख रहे हैं ये नीचे इसकी भी लगा हुआ।, लगा हुआ है इसको फिर मैंने कहा कि नहीं कम से कम इसका एक्सटर्नल इम्प्रेशन तो अच्छा आना चाहिए फिर हमारे जितने प्रोजेक्ट थे पांच छः के करीब वो तकरीबन एक लिहाज से उनकी प्रोग्रेस रुकी हुई थी स्लो थी उसमें खास तौर पर स्ट्रेंथनिंग ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जहाँ जा रहे हैं उसको कम्प्लीट किया किंग एडवर्ड की तारीख में जो पहला पी सी फोर सब्मट हुआ है वो बाई दाइटी मैंने सबमिट करवाया है पिछले साल और उसमें लाइब्रेरी हॉल एग्जामिनेशन हाल, हाल नहीं। दो नए लेक्चर थिएटर वो तमीर किए फिर गर्ल्स हॉस्टल शायद हम हम ना जा सकें लेकिन मेरे आने से पहले गर्ल्स हॉस्टल रेंटेड हाउसेस में थी जो इचरे और शादरा में थे वो 300 सीटों के साथ गर्ल्स हॉस्टल जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है इस साल पंजाब गवर्नमेंट फंडेड एक नया हॉस्टल है वो हमारा कंप्लीट होगा तो इस तरीके से जितने जेर तकमील मनसूबे थे उन कुछ को कम्प्लीट किया कुछ को कर रहे हैं और फ्यूचर में टू थर्टी एकड़ लैंड हमारे पास जो है काला शाह काकू मुरीद के न्यू कैंपस पे इन आप देखेंगे कि वहाँ एक एडमन ब्लॉक बेहतरीन पटियाला ब्लॉक की तरह थाउजेंड बेड की कैपेसिटी का स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल होगा वहाँ पे और फिर अलाइड हेल्थ साइंस के डिपार्टमेंट कन्वेंशन सेंटर रेजिडेंसीज़ ये तमाम चीज़ें होंगी और इन अल्लाह ने चाहा कि अगले साल ही इन्हीं दिनों में हम कोशिश करेंगे आपको वहाँ ले चलें अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग आपकी जगह आपसे पहले भी सीट के ऊपर आए होंगे लेकिन एक ये है कि एक इदारे को एक बेहतर इंस्टीट्यूशन बनाना ये इंस्टिंक्ट आपके अंदर पहले से थी मौजूद थी आ, क्या वजह क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं सरबरा बनते हैं इधारों के जॉब पूरी करते हैं टाइम गुजारते हैं और चले जाते हैं लेकिन आप इसको मुसलसल मैं देख रहा हूं जब से आप आए हैं कुछ ना कुछ आप लगे रहते हैं कुछ ना कुछ इसकी इंप्रूवमेंट में है और आपके आए हुए यहाँ पे जो तब्दीलियां आई हैं उसमें मैं कहूंगा मेजर तब्दीलियां भी आपको हमें नजर आती हैं इसकी वजह क्या आपकी टेंडेंसी ऐसी है देखिए बात यह है कि चूंकि मैं इस इदारे का प्रोडक्ट हूँ जी तो इस इदारे की कुछ एक्सपेक्टेशन है तो मेरी कोशिश यह है कि हर आने वाला दिन मैं उन एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की कोशिश करूं। आप इस ग्राउंड जिसमें फिर रहे हैं ये पटाला ग्राउंड है ना ये तकरीबन इसमें घास इस अंदाज में नहीं था नहीं। मैंने पीएचए से रिक्वेस्ट की और इस वक्त आपको ये घास जो नजर आ रहा है इनशाला अगले महीने के बाद आप देखेंगे लश ग्रीन होगा ये बेंचेस सारे लगे फिर ये सामने बिल्डिंग जो बन रही है ये फार्माकोलॉजी जो हमारा ब्लॉक है इसको हमने इसकी जगह पे एक नई बिल्डिंग बनाई है जो एक हमारे नाइनटीन सिक्सटी के जो एलम हैं ग्रेजुएट हैं उन्होंने इसको फंड किया है मकबूल बलाक के नाम से और एक बहुत बड़ा इशू था किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो था पार्किंग का इशू कि हमारे जो पटियाला ब्लाक है इसमें गाड़ियों की पार्किंग के लिए मुनासिब जगह नहीं थी तभी आपको मैं दिखाऊंगा कि इस बिल्डिंग की जो बेसमेंट है इसको हमने मुख्त किया फॉर पार्किंग और 2000 के करीब जो कार्स हैं दे कैन बी पाप्ड हेयर इन द बेसमेंट नाउ और फिर ये बिल्डिंग जिस तरफ हम अभी जा रहे हैं इसमें हमने जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं स्टूडेंट्स के लिए hmm. उसमें लाइब्रेरी की फैसिलिटी है hmm. जिसमें 500 की तादाद में स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं hmm. इसी अंदाज में लाइब्रेरी के साथ एग्जामिनेशन हॉल है दो नए लेक्चर थिएटर है हमारे hmm. और इन लेक्चर थिएटर के साथ एक ऑडिटोरियम है थाउजेंड बेड की कैपेसिटी के साथ एंड दिस बिल्डिंग इज टोटली फंक्शनिंग एक सिर्फ लिफ्ट का मामला है और लिफ्ट जो है इनशाला इस माह में चलनी शुरू हो जाएगी अच्छा मुझे यहाँ एक मज़ार भी नज़र आ रहा है कुछ कबूर भी नज़र आ रही है ये क्या है जी देखो जी इन मज़ार की डिटेल हिस्ट्री तो मेरे आपको हिस्ट्री बुक दी उस पर आपको मिल जाएगी लेकिन तीन चार सौ साल पहले प्रॉबली कुछ बुजुर्ग थे इस इलाके में जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की तो उनकी जो मजार हैं आपको किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में और म्यू हॉस्पिटल में आपको नजर आएंगे और ये वो लोग हैं जिन्होंने इस इलाके में इस्लाम फैलाने के लिए अपनी जिंदगियां सर्व की और ये जो जगह आपको नज़र आ रही है ये रिसेंटली वी हैव कंप्लीटेड एंड दैट इज़ दी बेसमेंट में जो हमारी कार पार्किंग है इस तरफ से वो दरवाजे से गाड़ियां आती हैं टू हंड्रेड के करीब जो है वो कार नीचे पार्क करते हैं इसी तरीके से आई एम ट्राइंग टू डिवेल्प दीज आल्सो कि जब आप अप्रैल में दोबारा आएँ तो आपको यहाँ खूबसूरत घास भी नजर आए और खूबसूरत फूल भी नजर आए ये जो लॉन्स इस वक्त हमारे सामने है। अच्छा प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि जो मैंने आपसे बात करा था कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की गिशन जो है वो आपने बताया कि काफी ज्यादा है तो मजीद इस इदारे की बेहतरी के लिए आपके जहन में क्या सजेशन है जिस पर आप चाहते हैं कि अमल करें और ये आगे जाके बेहतर हो देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर जब कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज के 20 के करीब वाइस चांसलर्स ने विजिट किया किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी को उन्होंने हमारे साथ एमओयू साइन किया है इसमें नाउकिंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इज दर ऑफ कॉमनवेल्थीज इसका मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पाँच जाएंगे तो वो ट्रेनिंग उनकी रिकगनाइज होगी वहां पर और अमालमेंट या पे वो वहाँ की देंगे इस लिहाज से हमारा एक एक्सचेंज प्रोग्राम है फ्यूचर का जिसमें हमारे ट्रेनिंग को हम एक्सपोज करेंगे कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज में और ट्वेंटी के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा ये एमओ यू है और एक्सचेंज प्रोग्राम जो है इसको फर्दर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये अभी हम लाइब्रेरी में है जी जी ये किंग एडविड की लाइब्रेरी है और रीडिंग रूम है इसमें आप देख सकते हैं कि आपको तकरीबन दो दो तीन तीन साल पुरानी किताबें इन शेल्फ में नज़र आएंगी जिन तमाम को हमने रेनोवेट किया है और बच्चे इसको एज ए रीडिंग रूम यूज़ करते हैं और साथ ये ई लाइब्रेरी हम डेवलप कर रहे हैं जिसमें स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे

किसी भी लिहाज से जो आप समझते हैं कि आज के दौर में आपका आइडियल कौन है अगर पहले कोई था तो वो कौन है देखिए जी मेरे आइडियल जो है ना मैं तीन का तस्करा करता हूँ मेरे स्टूडेंट लाइफ में जो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर नवास ही वॉज आई थिंक द एक्सीलेंट डॉक्टर एंड द परफेक्ट ह्यूमन बींग वो पहले थे फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो रिलीजियस स्कॉलर थे मौलाना आरफ साहब वो इस हमारे मस्जिद के खतीब हुआ करते थे अच्छी बातें बताया थे फिर जिन्होंने मुझे ट्रेन किया मुझे पढ़ाया मेरे उस्ताद मेरे मैंटोर वो प्रोफेसर जफला चौधरी इसको कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन के प्रेजिडेंट अच्छा जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो डेफिनेटली काम तो असल में मरीज को देखना है और उसकी जान को बचाना है और यही सबसे मेन काम होता है लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी है आप उसमें भी आ गए हैं तो आपको ज्यादा बेहतर कौन सा लगता है कि एज ए डॉक्टर पेशेंट्स को देखना है या फिर ये जो काम आप इस वक्त करें वो आपको ज्यादा बेहतर लगता है देखिए जी अगर आप सच्ची बात पूछे तो डॉक्टर का काम तो डॉक्टरी करना ही है बेसिकली आई एम द सर्जन एंड द एंडिक सर्जन और पाकिस्तान की पहली जो लेप्रोस्कोपिकॉलिस हुई 1991 में उस टीम का मैं मेंबर था मामूद एजाज के साथ सो आई इन्जॉय द डूइंग सर्जरी लेकिन एक अपने इदारे की अगर खदमत का एडमिनिस्ट्रेटिवली मौका मिले तो इसको भी खुशकस्मती समझा जाता है लेकिन स्टिल आई फील कि जो क्लिनिशियन होते हैं ये इन्जॉय करते हैं अपना क्लिनिकल जॉब को पेशेंट की खिदमत को सर्विस को और ऑपरेशन करने को अच्छा स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी एजुकेशन को आगे बेहतर करें और दूसरी बात अगर कोई आपकी हुकूमत से कोई डिमांड है या आप समझते हैं कि कोई और हुकूमत थोड़ा रोल प्ले करे तो आप इस इदारे को और बेहतर कर सकते हैं देखिए इसमें जो स्टूडेंट्स के लिए मेरी आ, आप समझ लास्ट मैसेज है तो उसमें तो वही है कुरान की पाकिद के, के मेहनत करें और अपना फेथ मजबूत रखें रिवार्ड अल्लाह पाक देंगे और इसके साथ अपने टीचर्स की इज्जत करें बा अदब नसीब जितनी आप इज़्ज़त करेंगे आप उतने बारसीब होंगे और फिर पेरेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करें और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरने की कोशिश करें जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और हायर एजुकेशन कमीशन मैंने जब भी उनसे जो डिमांड किया उन्होंने उसको पूरा किया खासतौर पर करंट जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सेक्रेटरी हेल्थ हैं मुझे जरूरत थी पंजाब गवर्नमेंट जो फंडेड गर्ल्स उसकी न्यू कैंपस में कर रहे हैं अबाउट लास्ट क्वेश्चन कोई ऐसी हो सकती है और हुई नहीं और आप चाहते हैं कि हो जाए वो क्या शेयर है कि कितनी कि ख्वाहिशें हजारों ख्वाहिशें देखिये इसमें जो जहाँ तक दुनिया का ताल्लक है तो उसमें तो कहते हैं ना जितना दिया मेरे सरकार ने इतनी औकात ना थी गाँव से उठ के किंग एडवर्ड का वाइस चांसलर बनना अब तो यही ख्वाहिश रह गई है कि ये जिंदगी जिस मकसद के लिए दी गई है उस मकसद को पूरा करने में अगर कोई कमी रह गई है उस मकसद को पूरा कर सके और वो जिंदगी का मकसद ये है कि इसमें आप दुनिया में भी ऐसे जिंदगी गुजारें कि आपके पैदा करने वाला अल्लाह ताला वो खुश हो जाए और फिर नबी अलैहि वसल्लम के तरीके आपकी ज़िंदगी में आ जाएं और आप ऐसे जिंदगी गुजारें कि यू शुड बी द बेस्ट इन दुनिया एंड बेस्ट इन आखरत आलसो जब आप दुनिया से जा रहे हों तो आगे भी इस्ताल वाली कैफियत हो और आपके कबर हशर और आखरत के मराल हैं वो भी इसी तरह पुरस्कून गुजरें जिस तरह आपकी दुनियावी जिंदगी में पुरस्कून आप गुजर गुजार रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिन आजीन आपने बातें सुनी इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद साहब की इस वक्त वाइस चांसलर है कई यूनिवर्सिटी के मेरा ख्याल है कि अगर मैं बात करूं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की नेशन के लिए तो ही इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इस वक्त खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारी बातें कि आज के डॉक्टर्स के हवाले से भी कुछ जो बातें उठती हैं अगर वो इनके करैक्टर को इनकी जो लाइफ है उसी को फॉलो कर लें तो डेफिनेटली उनके बहुत सारे मिसाइल का हल भी वो नज़र आता है यहाँ पर अब बात यह आती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं अपने सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं तो फिर आपको इधारे मजबूत करना होंगे और जिस तरह के ही हो रहा है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के और इधारों को भी इसी तरह मजबूत करे और पाकिस्तान की जो रियासत है एक रियासत बनकर दुनिया के नक्शे के ऊपर आगे जो अपना लो है वो मनवा दुआ के साथ अल्लाह आपको अपनी रहमतों के किसाई में रखे अपने मेजबान को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़